हेलो एवरीवन, ओके हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट से जुड़ी हुई जो क्लास है वो थर्ड है, ठीक है। अभी जो क्लासेस होंगी कुछ दिनों तक वो प्रैक्टिस सेट से जुड़ी हुई कराई जाएंगी, तो इसको आप देख सकते हैं। बिहार पीजीटी एग्जाम के अलावा एमपी सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये थर्ड क्लास है, इससे पहले दो और क्लासेस हो चुकी हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना है, आप में से जितने लोग भी परीक्षा देने वाले हैं, बहुत बच्चे ले चुके हैं, तो आप में से जितने लोगों की भी परीक्षा अगर आप लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए 199 रुपए में 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो 300 से ज्यादा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये आपको 120 रुपए में मिल रहे हैं। समाज शास्त्र में जो महत्वपूर्ण समाज शास्त्रियों से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें भारतीय समाज शास्त्री भी शामिल है और इन सभी समाज शास्त्रियों के द्वारा जो उनकी अवधारणाएं, सिद्धांत, उनकी जो पुस्तकें हैं या ये भी आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको, चाहे वे जो प्रैक्टिस सेट है या सोशियोलॉजी के ये यहाँ पर जो नोट्स है, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की, तो ये जो नोट्स हैं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं समाजशास्त्र से संबंधित, तो आप उसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका जो प्राइस है 399 रुपए है। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर मैसेज करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, ताकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा सके। और बात की जाए 399 नोट्स में है कौन कौन से टॉपिक्स, तो यहाँ पर सारे टॉपिक्स दे दिए गए हैं, देख लीजिए उसे भी एक बार, कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, समाज क्या है, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, समाज के प्रकार कौन से हैं, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण जो पुस्तकें और उनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर नोट्स बनाया गया है, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं इसमें आपको नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि पेज को फालतू का बढ़ा दिया गया है। बहुत बच्चे होते हैं ना, पेज देख कर लेते हैं कि कितने पेजेस हैं पीडीएफ में, तो ध्यान रखिएगा जो नोट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखकर आप लीजिएगा। यहां पर देखिए जो जानकारी इससे जुड़ी हुई, इसका व्हाट्सएप नंबर वही सेम है, उसे ले सकते हैं। और एक ये यहाँ पर नया तैयार किया गया है, इसे आप रिवीजन टाइम के लिए देख सकते हैं, और इसमें जो टॉपिक्स है ये पहले वाले नोट्स में वे नहीं है। अब यहाँ पर कौन कौन से जो आप परीक्षाओं में देखते हैं महत्वपूर्ण कथन से संबंधित किसके द्वारा कहा गया है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में। इसके अलावा समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा, जनजातियों के जो युवा ग्रह हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। अच्छा, संविधान के जो अनुच्छेद और जो अनुसूचियां हैं जिनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो वे कौन कौन से अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, वे भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। महिलाओं के, उनके विकास, उनके कल्याण के लिए जो काम किया गया है वो आपको इसमें मिल जाएगा। महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से हैं ये आपको इसमें मिलेगा, और जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्र की अवधारणाएं हैं, ठीक है, और जो पुस्तकें हैं ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, और ये वन लाइनर में है, ठीक है, ये वन लाइनर में दिया गया है, तो रिवीजन टाइम के लिए ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप अगर लेना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए इसका लिखा गया है प्राइस 249 है, 249 रुपए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, पेमेंट प्रोसेस सेम है, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन और है, आप में से जितने लोग भी हायर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार बताया जा चुका है, टेलीग्राम चैनल पर भी बताया गया है, आपके जो यूपी पीजीटी की परीक्षा और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की जो संभावना बताई जा रही है आयोग के द्वारा, वो ये है कि 21 दिसंबर से 14 जनवरी के पहले पहले ये परीक्षा दोनों ही आयोग करा लेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो रहिएगा कि नहीं होगी, आयोग द्वारा ये कह दिया गया है, ठीक है, पूरी संभावना जताई जा रही है कि ये दोनों ही एग्जाम हो सकते हैं। बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस की, तो सोशियोलॉजी के लिए तो आप इसे
आप नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट और जो क्लासेस हो रही हैं आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम जीएस की बात करें जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है, तो उसको लेकर क्लासेस शुरू की गई है अभिषेक सर के द्वारा। आप में से जितने भी लोग परीक्षा देने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर एग्जाम की, तो आप रात में 9 बजे अभिषेक सर की क्लास होती है, आप उसे जरूर देखिएगा। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर क्लासेस शुरू की गई है, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम है वे सभी रात में 9 बजे क्लास से जरूर जुड़े। देखिए 60 प्रश्न करा दिए गए थे, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी के सारे प्रश्न आज इस क्लास में 30 प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहां तक हो गया था, चलिए यहां पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसका गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है। विकल्प यहां पर है ए एम शाह, आई पी देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, के एम कपाड़िया। क्या होगा, किसका गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है। ए एम शाह, आई पी देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, के एम कपाड़िया यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो गुजरात के सूरत में किसका अध्ययन रहा था, इस तरीके से आपको बताया गया है। फैमिली से जुड़ी हुई जो क्लास हुई थी उसमें डिटेलिंग में बताया था, आपने नोट्स लिए हैं तो जो पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया, बहुत बच्चे बहुत पहले से ले रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा उसमें आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, के एम कपाड़िया होगा, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट है, के एम कपाड़िया। प्रश्न है संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करता है, यहाँ पर देखिए समान निवास, संख्यात्मक बल, संयुक्त संपत्ति और पितृ पूजा यहाँ पर दिया गया है। संयुक्त परिवार को मजबूती इनमें से कौन प्रदान करता है, कौन सा यहाँ पर सही होगा, समान निवास और पितृ पूजा, समान निवास और संयुक्त संपत्ति होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। ज्वाइंट फैमिली की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, हेनरी मैन के द्वारा की गई थी। ज्वाइंट फैमिली की बात सबसे पहले किसने की थी, हेनरी मैन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर प्रश्न है परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करता है, यह कहना किसका है। स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले यहाँ पर विकल्प है। परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करता है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है। स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले यहां पर है विकल्प, क्या होगा, यहां पर पार्सन्स होगा, टॉलकेट पार्सन्स। विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने कहा है कि किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है। ऑप्शन है यहाँ पर मेलनोवस्की, मर्टन, रेडक्लिफ, ब्राउन, दुर्खीम। क्या होगा, इनमें से किसका कहना है कि किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है। मेलनोवस्की, मर्टन, रेडक्लिफ, ब्राउन और दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही होगा रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जटिल अंतर्क्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच में उत्पन्न होता है। विकल्प देखिए लेपियर, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, रूटर यहाँ पर दिया गया है। समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जटिल अंतर्क्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच में उत्पन्न होता है। क्या होगा, समाज को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है, लेपियर ने किया है, लेपियर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है यह तर्क है कि बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व ही ना रह सकेगा, यह किसका तर्क है। विकल्प यहाँ पे है रॉस, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैकेवर। राइट आंसर क्या होगा, किसका तर्क है कि बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व ही ना रह सकेगा। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने बात की थी, रॉस ने की थी। इनकी पुस्तक कौन सी है, द सोशल कंट्रोल, इसी नाम से इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने सोशल कंट्रोल की बात की है। ये बुक आती है इनकी पुस्तक 1901 में। और यहाँ पर क्या होगा, किंग्सले डेविस होगा, किंग्सले डेविस ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और सोशल कंट्रोल इसका फोल्डर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जितने सारे जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक से कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिसने भी क्लासेस ना देखी हो वे सभी फोल्डर चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सारी क्लासेस उस टॉपिक से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। अब देखिए यहां पर प्रश्न है,
समानता का नियम एवं संपर्क का नियम किससे संबंधित है? विज्ञान, नीति शास्त्र, धर्म या फिर जादू? समानता का जो नियम है और संपर्क का नियम है, यह इनमें से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जादू से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक जादू से संबंधित जो मेलनोवस्की ने बात की थी, है ना, मेलनोवस्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे, सफेद जादू और काला जादू। सफेद जादू जो दूसरों के कल्याण, दूसरों की भलाई अच्छाई के लिए किया जाता है, वहीं अगर काले जादू की बात की जाए, ये दूसरे को कष्ट हानि पहुंचाने की दृष्टि से किया जाता है। तो ये जो दो प्रकार हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? मेलनोवस्की के द्वारा बताए गए हैं जादू को, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष संथाल, हो, नागा, खासी एवं अन्य में विद्रोह का कारण है? संघर्ष, पर संस्कृतिकरण, प्रतिस्पर्धा या फिर विरोध, क्या होगा? किस प्रकार का संघर्ष संथाल, हो, नागा, खासी और अन्य में विद्रोह का कारण है? पर संस्कृतिकरण होगा यहाँ पर, क्या होगा? पर संस्कृतिकरण होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। मध्य प्रदेश के भीलों में किसने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का संचालन किया? मामा बालेश्वर दयाल, विश्वनाथ, गुलिया महाराज, राजा मोहनी देवी, सही क्या होगा? मध्य प्रदेश के भीलों में किसने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का संचालन किया? राइट क्या होगा? राइट होगा गुलिया महाराज, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। ठीक है, सी यहां पर राइट है। प्रश्न है, स्वीकृति प्राप्त प्रचलनों एवं कार्य रीतियों को जाना जाता है? विकल्प यहाँ पर है संस्थाओं के नाम से, परंपराओं के नाम से, प्रथाओं के नाम से या फिर उपयुक्त में से किसी भी नाम से नहीं। स्वीकृति प्राप्त प्रचलनों एवं कार्य रीतियों को इनमें से किससे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर क्या होगा? संस्थाओं के नाम से होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से समाज से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? समाज मूर्त है, समाज अमूर्त है, समाज ना तो मूर्त है और ना ही अमूर्त है, समाज मूर्त और अमूर्त दोनों है। तो समाज से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? समाज अमूर्त है। ठीक है, समाज अमूर्त है, ये यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समूह का अर्थ क्या है, किसे ग्रुप कहेंगे? विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं, दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन को हम समूह कहेंगे, या फिर पारस्परिक चेतना और समान अभिरुचि वाले दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह समूह कहलाएगा, बिना किसी सामाजिक संबंधित वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पारस्परिक चेतना और समान अभिरुचि वाले अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह समूह कहलाएगा, यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करती है संस्कृति में परिवर्तन को, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को, जीवन पद्धति में परिवर्तन को, राजतंत्र में परिवर्तन को। पर संस्कृति ग्रहण इनमें से किसे संबोधित करती है? संस्कृति में परिवर्तन को, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को, जीवन पद्धति में परिवर्तन को या फिर राजतंत्र में परिवर्तन को, यहाँ पर सही होगा जीवन पद्धति में परिवर्तन को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जन्मजात एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया? मर्टन, पार्सन्स, रॉल्फ लिंटन, वेबर, यहाँ पर ऑप्शन है। जन्मजात एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया था, किसके द्वारा अंतर किया गया था? यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा, न केवल अंतर बल्कि रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति एवं भूमिका का व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था, किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में किया था। ठीक है, सबसे पहले परिस्थिति एवं भूमिका की जो व्यवस्थित तरीके से बात की गई थी वो रॉल्फ लिंटन के द्वारा ही की गई थी, पुस्तक भी इनकी पूछी जाती है द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, और जिसमें इन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त प्रस्थिति। ठीक है, प्रदत्त प्रस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, जेंडर आ जाएगा इसमें, कास्ट सिस्टम आ जाएगा। अगर हम बात करें अर्जित प्रस्थिति की, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, उसे हम अर्जित प्रस्थिति कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है, जनजात और अर्जित प्रस्थिति में अंतर किसने किया। एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्थिति के दो प्रकार, जनजात और अर्जित प्रस्थिति किसने बताए हैं। आगे देख लेते हैं,
ध्रुवीय परिस्थिति उन स्थितियों को संबोधित करती है जो पाई जाती है विपरीत दिशाओं में, युग्मों में, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में, या फिर विरोधी भूमिकाओं में। यहाँ पर क्या होगा, ध्रुवीय परिस्थिति उन स्थितियों को संबोधित करती है जो पाई जाती है, किसमें, युग्मों में होती है, ठीक है, युग्मों में होती है, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और जो ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको इससे पहले जो वाली जितनी भी क्लासेस हुई है जब भी इस तरीके से प्रश्न आया है तो आपको बताया गया है। तो ध्रुवीय परिस्थिति की जो अवधारणा है वो किसकी है ये आपको बताना है। यहाँ पर युग्मों में होगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे माता पिता हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है, दुकानदार ग्राहक हो जाएगा, ये इसमें आ जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है। शांति, सुरक्षा, सांप्रदायिकता, सहयोग, यहाँ पर विकल्प है। ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है यह पूछा जा रहा है। शांति, सुरक्षा, सांप्रदायिकता, सहयोग है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, सांप्रदायिकता होगा, सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है भूमिका परिभाषित करती है, विकल्प देखिए, एक स्थिति से प्रत्याशित सम्मान के प्रतिमान की, एक स्थिति से प्रत्याशित अधिकारों के प्रतिमान की, एक स्थिति से प्रत्याशित व्यवहार के प्रतिमान की, या फिर एक स्थिति से प्रत्याशित कर्तव्यों के प्रतिमान की। सही क्या होगा, सही यहाँ पर एक स्थिति से प्रत्याशित व्यवहार के प्रतिमान की, ठीक है, यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है यह किसका मत है। विकल्प हैं किंग्सले डेविस, मैकेवरन पेज, लूमले, जेम्सन। अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है यह किसका कहना है। यहाँ पर क्या होगा, किंग्सले डेविस और सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न है वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है। राज्य, परिवार, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, यहाँ पर विकल्प है। वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है, कौन होगा यहाँ पर, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, परिवार होगा, परिवार होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जादू को सर्वोत्तम परिभाषा इनमें से किस तरीके से, इसको जादू को सर्वोत्तम तरीके से कौन सा कथन परिभाषित कर रहा है। देखिए यहाँ पर, एक विशिष्ट ढंग से एक कार्य को संपादित करने के रूप में, संकेतवाद को बारीकों के रूप में, ईश्वर में विश्वास के रूप में, घटनाओं को प्रभावित करने के वैज्ञानिक प्रयास के रूप में, इनमें से कौन सा कथन है, विकल्प है, जो जादू को ठीक तरीके से परिभाषित कर रहा है। तो घटनाओं को प्रभावित करने के वैज्ञानिक प्रयास के रूप में यहाँ पर क्या होगा, डी सही हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। सामाजिक परिवर्तन में समाहित है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी प्रकार में परिवर्तन, क्या होगा राइट, क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी प्रकार में परिवर्तन, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने हर तरह के जादू को सहानुभूतिपूर्ण बताया। टाइलर, फ्रेजर, मॉर्गन, मीड यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने हर तरह के जादू को सहानुभूतिपूर्ण बताया है, क्या होगा, फ्रेजर होगा, फ्रेजर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है, कौन सी पुस्तक है। देखिए यहाँ पर है द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस, क्या होगा। सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं, जिन्हें अभी देखना है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फोल्डर, और आगे, हालांकि आगे आने वाले समय में बीच में किसी भी दिन जो है कॉन्सेप्ट्स और जो बुक्स है इंपॉर्टेंट उनसे जुड़ी हुई क्लासेस अलग अलग आ जाएंगी। तो किस, कौन सी पुस्तक में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों की बात की है, पुस्तक का नाम क्या है, द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम है, बी यहाँ पर सही होगा। टॉलकॉट पार्सन्स के समाजशास्त्र में योगदान की बात की जाए तो तीन प्रमुख क्षेत्रों में इनका योगदान है, एक तो सामाजिक व्यवस्था में है, दूसरा सामाजिक क्रिया में है, सोशल एक्शन में है, और तीसरा किस में है, प्रकारवाद में है, फंक्शनलिज्म में है। यहाँ पर क्या होगा, बी सही होगा।
प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? बी आर शिंदे, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। यहाँ पर है हरिजन सेवक संघ की स्थापना इनमें से किसने की है? यहाँ पर क्या होगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जीएस घुरिया ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। कई बार बताया गया है, कई बार ये बात बताई गई है। जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात करने वाले कौन थे? जीएस घुरिया। किस पुस्तक में जाति व्यवस्था की इन्होंने बात की थी? घुरिया ने, बुक का नाम है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये पुस्तक है जिसमें घुरिया जाति व्यवस्था की बात करते हैं और जाति से संबंधित 6 विशेषताएं ये बताते हैं। वही विशेषताएं यहाँ पर पूछी गई है, यहाँ पर नंबर्स में पूछ लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इनके द्वारा, जो विशेषताएं इन्होंने बात बताई है कास्ट सिस्टम की वो आपको उसमें देखने को मिलेगी। एक उसमें गलत होगा तो गलत वाला बताना है या जो है सही बताना है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 विशेषताएं इन्होंने बताई थी, बी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग चेतना, अर्जित सदस्यता, जन पर आधारित खुली व्यवस्था। तो सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो सामाजिक वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं होगी? जन पर आधारित। जन पर आधारित नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रारूपों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रारूपों का उल्लेख किया है? क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? दुर्खिम, मैक्स वेबर, पैरेटो मार्क्स, ये भी कई बार बताया गया है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी, बी यहाँ पर सही होगा। मैक्स वेबर ने समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी वह विषय वस्तु सोशल एक्शन या व्यक्ति को बताया था, ठीक है। सोशल एक्शन है या व्यक्ति आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, तो ये दोनों ही इसी से संबंधित है, एक्शन भी व्यक्ति ही से संबंधित हो, व्यक्ति या सोशल जो सामाजिक क्रिया है उसे समाज शास्त्र की विषय वस्तु वेबर ने बताया था, जिसके अध्ययन के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की बात की थी। एक तो आदर्श प्रारूप है और दूसरा क्या है, वस्टहन है, इसे भी आप याद रखेंगे, यहां पर बी होगा सही। समाज शास्त्र सामाजिक भौतिकी है या किसका कहना है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, मैकेवर यहां पर है। समाज शास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? राइट आंसर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था, फिर 1838 में इन्होंने सामाजिक भौतिकी की जगह पर समाज शास्त्र शब्द दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी सही होगा। आखिरी प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? कृषि का परंपरागत तरीका, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, असंगठित कृषि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।